अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रेडिट का अकाउंट बनाएंगे। पीको वर्कर पे काम करने के लिए, मैक्रो वर्कर पे काम करने के लिए, या ऐसे ही आप रेडिट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे आप इसका अकाउंट बना सकते हैं। तो अपने पीसी में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें या अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें और रेडिट सर्च करने के बाद साइनअप का ऑप्शन मिलेगा। साइनअप पे क्लिक करने के बाद ईमेल आपको टाइप करना है। तो अगर आप ओरिजिनली ईमेल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, या किसी और का, या ऐसे ही फर्जी देना चाहते हैं तो उससे भी ओपन हो जाता है, ऐसे कोई मसला नहीं होता। अगर आप पीको वर्कर पे काम करना चाहते हैं और रेडिट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई भी दे दें। मेरा मशवरा ये है कि एक ही दे दें। और यहाँ पे मैं जैसे लिखूँगा, आप इस तरह कोई भी फर्जी मेल लिखकर एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ shabaz123@gmail.com, तो इंटर करूँगा तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह ओपन होगा। तो यूज़र नेम हमें सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई भी यूज़र नेम दिए हुए हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपनी मर्जी का भी कोई चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे उनके दिए हुए कुछ यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। और पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड अपनी मर्जी का देना चाहें तो दे सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि रिकमेंड करते हैं वो भी दे सकते हैं। और इसके बाद से अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने जाते हैं। अगर आप पीको वर्कर या रेडिट पे काम करते हैं, पीको वर्कर मैक्रो वर्कर पे काम कर रहे हैं तो ये शेड बैन होता है, तो शेड बैन होता है, आपको अकाउंट बन सकता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप भी ऐसे फर्जी मेल देंगे तो ये बिल्कुल नहीं होता है। बन चुका है। अगर आप यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप पीको वर्कर पे काम कर रहे हैं, एक यूज़र नेम और एक URL। यूज़र नेम ऊपर हम कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड में पिन कर लेते हैं। और अगर आपको पीको वर्कर में कोई भी टास्क मिलना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अल्लाह हाफिज़।